Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. In last lecture, we completed our first chapter, animals and their young ones, male, female, etc. Now today we are going to learn our second chapter, and second chapter name is kitchen garden. You look at this picture. Yes, one granny है और वो क्या कर रही है? स्पिनच ग्रो कर रही है, दिख रहा है नीचे स्पिनच है, ये सब यहाँ पे ऊपर मैंगो ग्रो किया हुआ है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो कर रही है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर सेकेंड चैप्टर किचन गार्डन. ओके, ओपन द बुक एंड ओपन द सेकेंड चैप्टर किचन गार्डन. दिख रहा है सब वेजिटेबल्स, कैरट, टोमेटो, सब दिख रहा है. यस, ना ये क्या है? इन लास्ट ईयर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यस, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के? फाइव पार्ट्स. कौन से? फर्स्ट वन इज लीफ, सेकेंड वन इज फ्रूट, फ्लावर, स्टीम एंड रूट. और हम इस सब पार्ट में से हम ये सब पार्ट ईट करते हैं. कोई ना कोई अलग अलग प्लांट के कोई एक पार्ट हम ईट करते हैं. कोई कोई वेजिटेबल हम लीफ लीफ वाले वेजिटेबल्स का ईट करते हैं, यानी कि स्पिनच है, कैबेज है, फ्रूट्स फ्रूट्स तो सबको पता है. कोई हम फ्लावर वाले वेजिटेबल्स ईट करते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, लाइक स्टीम. कभी कभी हम स्टेम भी ईट करते हैं, जैसे कि शुगर कैन. यस, एंड रूट. कोई कोई वेजिटेबल्स हम रूट के फॉर्म में भी ईट करते हैं. वो कौन से होते हैं? बीट रूट, पोटैटो, कैरट, रेडिश, एक्सेट्रा. ओके, नाउ आज हमें ये पार्टीशन सीखना है कि कौन से वेजिटेबल्स है वो फ्लावर 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 के फॉर्म में ईट करते हैं, कौन से वेजिटेबल्स है हम रूट के फॉर्म में ईट करते हैं, कौन से वेजिटेबल्स है वो हम लीफ लीफी वेजिटेबल्स में हम ईट करते है. ओके, देखो आपकी बुक में ऐसा चैप्टर दिया है, वेजिटेबल्स हेल्प अस ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हमें जो वेजिटेबल्स है वो मीट करते हैं, तो हमें बड़े होने में, ग्रो होने में एंड स्टे हेल्दी हेल्दी होने में हमें हेल्प करते हैं. दे मेक अस स्ट्रांग टू, और ये हमें बहुत स्ट्रांग भी बनाते हैं. द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ सम वेजिटेबल्स आर गिवन बिलो. हमें वेजिटेबल्स के पिक्चर्स भी दिए हैं एंड जो नेम भी दिए हैं. पुट देम इन करेक्ट ग्रुप. देखो यहाँ पे आपको फोर ग्रुप्स दिए हैं, रूट वेजिटेबल्स, फ्लावर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर्स एंड लीफी वेजिटेबल्स. इसे हमें क्लासिफिकेशन करके अलग अलग ग्रुप में हमें डालने हैं. ठीक है, क्लाइंबर्स लाइक अ ग्रेपवाइन आर अ प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट. अभी ये आपको पता है क्लाइंबर किसे कहते हैं, जो हमने ईवीएस में लास्ट ईयर पढ़ा था. क्लाइंबर किसे कहते हैं? जो जिसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो अपने आप खड़े हो सकते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स. नाउ लाइक स्टार्ट एक्सरसाइज. देखो ये फर्स्ट, ये सारे कौन से वेजिटेबल्स है? रूट वाले वेजिटेबल्स, रूट ऑन वेजिटेबल्स. ये कौन से वेजिटेबल्स है? रूट वाले. उसके बाद ये कौन से वेजिटेबल्स है? देखो उसको दूसरे की सपोर्ट की, यानी कि वॉल के ऊपर सपोर्ट है, ये क्लाइंबर है. कौन क्या है? क्लाइंबर. इस वो अपने आप खड़े रह सकते नहीं है. देखो इसमें उसको जो बम्बू है उसके सपोर्ट से क्लाइंबर्स को खड़े रखते हैं. तो सम वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंबर्स पे ग्रो होते है. उसके बाद ये कौन से वेजिटेबल्स है? फ्लावर वेजिटेबल्स, ए ब्रोकोली और ए कॉलीफ्लावर, ये दोनों फ्लावर वेजिटेबल्स है. उसके बाद ए लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच. ओके, देन नाउ लाइक स्टार्ट एक्सरसाइज. लुक एट दिस पिक्चर. फर्स्ट कौन सा दिया है? कॉलीफ्लावर. ओके, तो कॉलीफ्लावर कौन से वेजिटेबल्स में आता है? रूट वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्लावर वेजिटेबल्स, किस में आता है? वेरी गुड, फ्लावर वेजिटेबल्स. लुक एट दिस पिक्चर. क्या है ये? कॉलीफ्लावर है. ओके, ये किस में आता है? फ्लावर वेजिटेबल्स. आपकी जो फ्लावर वेजिटेबल वाली कॉलम है उसमें फर्स्ट में आप लिखो कॉलीफ्लावर,
Write down cauliflower spelling. CAULIFLOWER. Cauliflower. Now, second picture. Second picture किसकी दी है? Look at this picture. Cabbage. देखो तो cabbage कैसी है? Leaf leaf वाली है. पूरी ऐसे side side में leaf और अंदर से भी जैसे हम निकालते तो leaf ही निकलते हैं. तो कौन सा vegetables महंगा? Root. Leafy vegetables, flower vegetables. किस में आएगा? Very good. Leafy vegetables. तो आपकी जो leafy vegetables वाली कॉलम है उसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखो कैबेज. CABBAGE. कैबेज. ओके. नाउ थर्ड पिक्चर किसका दिया है? कैरेट. ओके बी कैरेट. देखो तो कैरेट किसके जैसा है? कौन से वेजिटेबल्स में? जो वेजिटेबल्स लैंड के नीचे ग्रो होते हैं उसे हम रूट वेजिटेबल्स कहते हैं. तो एक कैरेट कहाँ पे ग्रो होता है? लैंड के नीचे और लैंड के ऊपर. लैंड के नीचे. तो ये कौन से वेजिटेबल्स में आएगा? रूट वेजिटेबल्स. कौन किस में आएगा? रूट वेजिटेबल्स. तो आपकी जो रूट वेजिटेबल्स वाली कॉलम है उसमें वन नंबर में लिखो कैरेट. CARROT. कैरेट. ओके. उसके बाद फोर्थ पिक्चर किसका है? बीटर गॉड. अभी आपको पता है बीटर गॉड? देखो बीटर गॉड किस पे ग्रो होता है? क्रीपर्स में. तो वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर्स वाली जो कॉलम है उसमें बीटर गॉड. फर्स्ट में लिखो बीटर गॉड. राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ अ बीटर गॉड. BITTERGOURD. बीटर गॉड. ओके. उसके बाद कौन सी स्पेलिंग कौन से वेजिटेबल दिया है? टर्निप. क्या दिया है? टर्निप. लुक एट दिस पिक्चर. दिख रहा है टर्निप सबको? तो ये कहाँ पे ग्रो होता है? लैंग के नीचे. तो ये कौन से वेजिटेबल्स में आएंगे? रूट वेजिटेबल्स. रूट वेजिटेबल्स की जो आपकी कॉलम है उस सेकंड में लिखो टर्निप. TURNIP. टर्निप. उसके बाद कौन सा पिक्चर है? ब्रोकॉली. कौन सा पिक्चर है? ब्रोकॉली. ओके. तो ये ब्रोकॉली किसके जैसा दिख रहा है? फ्लावर जैसा दिख रहा है. देखो तो ब्रोकॉली कैसा दिख रहा है? फ्लावर जैसा दिख रहा है. तो ये कौन से वेजिटेबल्स में आएगा? फ्लावर वेजिटेबल्स. तो फ्लावर वेजिटेबल्स वाली जो आपकी कॉलम है उसमें सेकंड में आप लिखो ब्रोकॉली. और ब्रोकॉली की स्पेलिंग है BROCCOLI. ब्रोकॉली. उसके बाद आपको कौन सी पिक्चर दिख रही है? बॉटल गॉड. कौन सी? बॉटल गॉड. अभी बॉटल गॉड कहाँ में ग्रो होती है? ऑन द क्रीपर्स. क्रीपर्स पे ग्रो होती है. देखो बॉटल गॉड ये सारी क्रीपर्स है उसके ऊपर ग्रो हुई है. किसी के सपोर्ट के साथ है और उसके ऊपर ग्रो हुई है. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ बॉटल गॉड इन द वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर. आपकी जो वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर वाली कॉलम है उसके सेकंड में आप लिखो बॉटल गॉड. राइट द स्पेलिंग ऑफ अ बॉटल गॉड. BOTTLEGOURD. बॉटल गॉड. उसके बाद आपको कौन सा पिक्चर दिया है? रेडिश. अभी रेडिश कहाँ ग्रो होता है? लाइन के नीचे. तो ये कौन से वेजिटेबल है? देखो तो रेडिश कहाँ ग्रो होता है? लाइन के नीचे. तो कौन से वेजिटेबल्स में आएगा? रूट वेजिटेबल्स में. तो रूट वेजिटेबल्स की में आपकी जो थर्ड वाली लाइन है उसमें लिखो रेडिश. ओके. RADISH. रेडिश. ओके. ओके. उसके बाद कौन सी स्पेलिंग दी है? पम्पकिन. पिक्चर दिया है पम्पकिन का. देखो तो अभी पम्पकिन कहाँ ग्रो होता है? ऑन द क्रीपर्स. कहाँ ग्रो होता है? ऑन द क्रीपर्स. तो वेजिटेबल ऑन क्रीपर्स वाली जो कॉलम है उसमें राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ पम्पकिन. PUMPKIN. पम्पकिन. उसके बाद स्पिनच. देखो तो स्पिनच लीफ लीफ वाली है. तो कौन से वेजिटेबल्स में आएंगी? लीफी वेजिटेबल्स. किस में आएंगी? लीफी वेजिटेबल्स. तो लीफी वेजिटेबल्स की आपकी जो सेकेंड वाली लाइन है उसमें लिखो स्पिनच. SPINACH. स्पिनच. ओके. तो आप चेक नाउ चेक इट. रूट वेजिटेबल्स में आपके तीन स्पेलिंग आ गए कैरेट टर्निप एंड रेडिश. उसके बाद वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर्स. वेजिटेबल्स ऑन क्रीपर्स पे भी आपके थ्री स्पेलिंग आ गए बीटर गॉड बॉटल गॉड एंड पम्पकिन. उसके बाद फ्लावर वेजिटेबल्स में आपके टू स्पेलिंग हुए कॉलीफ्लावर एंड
ब्रोकोली एंड लीफी वेजिटेबल्स में आपकी टू स्पेलिंग हुए कैबेज एंड स्पिनच. ओके एंड ईट वेजिटेबल एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.